एक बस रास्ते से जा रही थी। ड्राइवर बहुत परेशान था क्योंकि आज टिकट भी उसे ही लेनी थी और बस भी उसे ही चलानी थी। बस एक ब्रिज के पास पहुंच जाती है और ड्राइवर लोगों से टिकट लेना शुरू कर देता है। अब सोचे लॉजिकल आर्मी, जब ड्राइवर टिकट ले रहा था तो बस ब्रिज से नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि ड्राइवर ने बस खड़ी करके टिकट लेना शुरू किया था। बस एक स्टॉप पे पहुंच जाती है और सारे पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं, लेकिन एक पैसेंजर अभी भी सो रहा था। ड्राइवर उसके पास जाता है और उसे हिलाता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन डेथ कैसे हुई, कब हुई, इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल को सामने तीन बसेस दिखती है, किस बस में वो खून हुआ होगा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी बस है जिसमें खून हुआ है? पहली बस में लोग चढ़ रहे हैं, दूसरी से लोग उतर रहे हैं, मतलब तीसरी बस है जिसमें खून हुआ है। मेहुल बस के पास पहुंच जाता है। मेहुल बस के अंदर जाता है और उस पैसेंजर की डेड बॉडी अच्छे तरह से चेक करता है। उसे सीट के बाजू में उसका सामान रखा हुआ मिलता है। मेहुल उसके सामान को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि मौत कैसे हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सामान को देख के बता सकते हैं मौत कैसे हुई होगी? अच्छे से सोचिए। उसके बैग में देखिए एक जहर की बोतल रखी हुई है जो आधी खाली है। इसका मतलब पैसेंजर ने जरूर यह जहर खाया है क्योंकि उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। एक बात तो कंफर्म है कि इसकी मौत जहर से हुई है, लेकिन अब ये कैसे पता लगाया जाए कि इसने खुद जहर लिया है या इसे किसी ने जहर दिया है? तभी मेहुल की नजर यात्री के दूसरे बैग पर पड़ती है जो देखने में काफी अच्छा और महंगा लग रहा था। मेहुल उस बैग को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें पासवर्ड डला हुआ था। बैग के फ्रंट साइड में बैग को खोलने के लिए एक हिंट था। किसी के पर्सनल बैग में हिंट और इतनी सिक्योरिटी, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं इसको खोलने का कोड क्या होगा? नंबर का एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन कोड है। 1 इंटू 2 है 2, 2 इंटू 3 है 6, तो कोड के लिए 6 इंटू 1 हो जाएगा 6। मेहुल कोड 6 प्रेस करता है और बैग को ओपन करता है तो शॉक हो जाता है। अंदर बहुत सारा कैश और सोने के बिस्किट्स रखे होते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब ये आदमी जरूर स्मगलिंग करता था, लेकिन ये मर्डर था या सुसाइड ये कैसे समझेगा? मेहुल उसका जेब चेक करता है तो उसमें मेहुल को एक पर्स मिलता है। मेहुल को उसमें उसका नाम और एड्रेस मिल जाता है। आदमी का नाम अमित है। मेहुल तुरंत वहां से निकलता है और दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है। घर देख के मेहुल को एड्रेस फेक लगता है, ऐसा क्यों? मेहुल को एड्रेस फेक क्यों लगा? इतना कैश और सोने के बिस्किट वाला ऐसे घर में नहीं रह सकता, हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट्स भी नकली हो। मेहुल को उस घर में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो मेहुल को बताता है कि ये घर उसका है और उसे अमित के बारे में कुछ नहीं पता है। इंटरेस्टिंग, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे बस में ट्रैवल करने वाले लोगों से पूछताछ करनी होगी। तभी डॉक्टर संजना का फोन आता है और वो मेहुल को बताती है कि जहर की बोतल जो अमित के बैग में मिली थी उससे उसकी डेथ नहीं हुई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोतल में अमित के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बॉटल किसी ने उसके बैग में रखी है, लेकिन कब और कैसे, जरूर इसका राज बस के लोगों से ही मिलेगा। मेहुल को तीन लोगों पे शक जाता है और वो उनसे पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मुझे तो इस आदमी पे पहले से शक था, ये एकदम महंगी कार से आया था और ये बस में क्यों चढ़ा, पक्का झोलर लगा मुझे। दूसरा कहता है, सर मेरा तो बहुत बार इस पे ध्यान गया, इतना घबरा रहा था और बार बार अपने फोन में देख रहा था। तीसरा कहता है, सर इतना पैसा और सोना देख के मैं तो बहुत डर गया था, मैं तो डर के पीछे जाके बैठ गया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कैसे, सोचे लॉजिकल आर्मी। तीसरे आदमी को कैसे पता चला कि इसके पास पैसा और सोना था, मतलब इसे कोई ना कोई राज जरूर पता होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसे पैसा और सोना देख के लालच आ गया था, उसने खून नहीं किया है। मेहुल उसके फिंगरप्रिंट्स लेके डॉक्टर संजना के पास भेज देता है तो डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि बॉटल में मिले फिंगरप्रिंट्स इसी आदमी के हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब खून इस बॉटल से नहीं हुआ है, लेकिन ये आदमी जहर देना चाहता था, लेकिन फिर जहर गया कहाँ? वो आदमी मेहुल को बताता है कि 2 घंटे पहले बस एक रेस्टोरेंट में रुकी थी, वहां उसने पैसा और सोना देख लिया था, वहीं उसने इस बॉटल का जहर उस आदमी के पानी के बॉटल में डाल दिया था और बॉटल को वापस इसके बैग में डाल दिया था।
जिससे सुसाइड लगे। तभी डॉक्टर संजना का वापस फोन आता है और वो मेहुल को बताती है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। जहर इसे 2 घंटे पहले दिया गया था, ये स्लो पॉइजन था जिसको 2 आवर्स लगते हैं इंसान को मारने में। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब उस रेस्टोरेंट में ही कुछ गड़बड़ हुई है। मेहुल कार निकालता है और उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। मेहुल की कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और रेस्टोरेंट 50 किलोमीटर दूर है, तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कितना टाइम लगेगा रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए? सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब मेहुल 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकता है, तो 1 आवर का हाफ मतलब 30 मिनट्स में वो 50 किलोमीटर जा सकता है। मेहुल 30 मिनट्स में रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। मेहुल रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेजे चेक करता है। 4 फुटेजेस से मेहुल को काफी हिंट्स मिलते हैं और क्या हुआ था वो भी समझ जाता है। क्या आप इन 4 फुटेजेस को देख के बता सकते हैं क्या हुआ होगा? तो बस वाला आदमी अमित के सामने जाके बैठा था और फिर अमित वॉशरूम गया। फुटेज 3 में पानी का कलर चेंज हो गया है, मतलब जब अमित वॉशरूम गया तब इसने पानी में जहर मिलाया। फुटेज 4 में अमित बिना पानी पिए ही चला गया। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अमित को पॉइजन दिया कब? सोचिए लॉजिकल आर्मी, अमित को पॉइजन कब दिया होगा? अमित ने रेस्टोरेंट में खाना खाया है, मतलब जरूर पॉइजन खाने में होगा, लेकिन फुटेजेस के हिसाब से कोई अमित के आसपास नहीं आया, मतलब खाने में जहर कोई होटल के स्टाफ मेंबर ने ही मिलाया होगा। मेहुल तुरंत रेस्टोरेंट के किचन में जाता है तो उसे वहां 4 लोग काम करते हुए दिखते हैं। एक आदमी को देख मेहुल शॉक हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा आदमी है? ये तो वही आदमी है जो मुझे उस एड्रेस पे मिला था, ये यहां कैसे? वो आदमी मेहुल को देख के एकदम डर जाता है और पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल उसके पीछे दौड़ता है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो आदमी ने कौन सा रास्ता लिया होगा? दीवार काफी लंबी है, इतना बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी उसे पार नहीं कर सकता। मिट्टी के रास्ते में पानी है, अगर यहां से गया होता तो पैरों के निशान आ जाते। उसने रोड वाला रास्ता लिया है। मेहुल उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। क्यों मारा था तुमने अमित को? तो वो आदमी बताता है वो अमित गलत काम करता था, स्मगलिंग करता था, फ्रॉड करता था, और उसने मेरे लड़के को भी इसी काम में लगा दिया था, हर जगह मेरा एड्रेस दिया था। उसकी सजा मेरे बच्चे को मिली और वो जेल में है, मैं उससे बदला लेना चाहता था। मेहुल उसे जेल में डाल देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।